उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। तो गाइज, आपका चैनल में स्वागत है मेरे। तो गाइज, मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर अंदाजा चैनल है मेरा। तो गाइज, जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत सारा प्यार दीजिए प्लीज। तो गाइज, मेरी इंट्रोडक्शन जो है मैं अभी बताना चाहूँगी। मेरा नाम है अनुराधा और गाइज, मेरा मायका जो है हिमाचल प्रदेश में है और मैं जो हूँ अभी जो रह रही हूँ वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र में ससुराल है। तो गाइज, अभी जो है वो मैं एक महाराष्ट्रीयन बहू हूँ और पहले जो है हिमाचली लड़की थी। तो गाइज, अभी जो है मैं, मेरे हस्बैंड जो है फौजी है। तो गाइज, अभी मैं सब काम खत्म करके आ गई और गाइज, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो 11 बजे कर रही हूँ मैं, क्योंकि गाइज 11 बजे इसलिए लेट हो गया, सुबह सुबह गाइज टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी छोटी सी नन्ही सी लड़की है, उसका नाम अंशिका है। तो गाइज, वो कुछ भी काम नहीं करने देती है और रात भर मुझे नींद मतलब नहीं आने देती है, और सुबह खुद 4-5 बजे सो जाती है, आराम से 10-11 बजे उठती है। तो उसका नहाना पीना सब खाना खुना खिला के आ गई हूँ, उसको थोड़ा सा ताई सासू माँ के पास दे के आई हूँ, तब मैं थोड़े टाइम मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ मैं। तो गाइज, अभी जो है वो फौजी साहब के साथ आज लास्ट दिन है मेरा। और फौजी साहब कहाँ चले गए, आपको दिख नहीं रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि फौजी साहब की बात कर रही है और फौजी साहब तो है ही नहीं साथ में। तो गाइज, कुछ मतलब मेरे सासू माँ है, उनकी बहन है, उनके ससुर जी नहीं रहे हैं तो वहाँ गए हुए हैं गाइज। तो उधर जो है वो कुछ महाराष्ट्र नवी संस्कृति अलग जैसी होती है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है इधर का। तो उधर जो है रोटी बना के लेके जाते हैं गाइज, ऐसा हिमाचल में नहीं होता है, तो अलग अलग है, तो इसलिए मेरे मतलब दिमाग से बाहर है थोड़ा थोड़ा, मैं अभी समझ रही हूँ धीरे धीरे। तो गाइज, मेरी शादी को जो है वो 6 ईयर हो चुके हैं। तो गाइज, अभी जो हूँ मैं महाराष्ट्र में बहू, तो मुझे जो है वो हिंदी, अभी महाराष्ट्र में हिंदी गाइज मेरे ससुराल में कम चलती है, तो मराठी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, तो मुझे जो है हिंदी ज़्यादा आती है, मराठी कम आती है गाइज। और गाइज, आज फौजी साहब लास्ट दिन है गाइज फौजी साहब के साथ, और अभी पता नहीं कब मुलाकात होगी गाइज, शायद 1 साल के बाद ही मुलाकात होगी, क्योंकि अभी 1 साल 8 महीने के बाद आए थे गाइज, 2 महीना रह के गए हैं, अभी जाने वाले मतलब गए नहीं हुए हैं। तो आज लास्ट दिन है उनका और हमने सोचा था जो है वो हमने कहीं घूमने के लिए जाना है, लेकिन गाइस नहीं हो पाया, वो उधर उनकी डेथ हो गई, मासी जी के ससुर जी की, तो उधर गए हुए हैं, तो उन्होंने बोला आके टाइम मिला तो तब देखेंगे। तो गाइज, आज जो है बहुत सारी रोटी भी बनाई सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सासू माँ को उधर लेके जानी थी, और कम से कम 30 रोटियाँ बनाई होगी गाइज, जितने फुलके नहीं बोलते उसको रोटी बोलते, रोटा बोलते, इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है। तो गाइज, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी महाराष्ट्र में रोटी कैसी होती है और हमारी मछली का देसी फुल्का कैसा होता है। तो गाइज, अभी जो है वो सब काम करके आ गई हूँ, अंशु का नहाना धुना, कपड़े धोना, उसको ही मराठी में धुना बोलते हैं गाइज, तो वो भी सब काम करके आ गई हूँ। तो गाइज, आज जो है वो लास्ट दिन है, तो ऐसा सोच रही हूँ पता नहीं कब जैसे आएंगे, कब जैसे आएंगे, और उनके साथ थोड़ा बैठ के गप्पे मारूं, थोड़ा सा बैठ के ऐसा अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बोलते नहीं है गाइज, मैं वो सोचती हूँ कि मैं उनको सामने लेके आऊँ, मतलब मेरे कैमरे के सामने लेके आऊँ, फ़ोन के सामने, लेकिन गाइज आते ही नहीं है, वो बहुत शर्माते हैं कि तू कर, तुझे ब्लॉग करना है वो कर तू, पर मैं नहीं आने वाला गाइज, इतना शर्माते हैं मेरे पति देव फौजी साहब, इतना शर्माते हैं, लेकिन मैं भी जिद्दी हूँ गाइज, कभी ना कभी उनको पक्का लेके आऊँगी मैं इधर। और गाइज, अभी जो है मैंने थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिया है, देख सकते हैं एकदम लाइटी मेकअप किया हुआ है गाइज, मैं ऐसे ही करती हूँ घर में जो हूँ, और शादी वगैरह में तो ज़्यादा करती हूँ। और गाइज, अभी मैंने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी तो पहनना ही पड़ता है गाइज ससुराल में, इधर बहुत चलता है महाराष्ट्र में साड़ी पहनना। और गाइज, अभी हिमाचल की बात करूँ तो उधर तो सूट ही सूट पहनते हैं, पंजाबी सूट चलते हैं हमारे उधर। तो आप सोच रहे होंगे दीदी आपको आती है कि साड़ी, मुझे किसी ने तो कमेंट किया हुआ था गाइज, सीमा ऐसा कुछ नाम है दीदी का, कि दीदी आपकी शादी को कितने साल हुए और आपको साड़ी पहनने के लिए आता है, उधर की लैंग्वेज आती है, कितना मुश्किल होता है ना मतलब हिमाचल से सीधा महाराष्ट्र में आना। हाँ गाइज, मैंने बहुत बड़ी छलांग मारी है, मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है गाइज वो बोलते हैं चलो मतलब लव मैरिज अरेंज मैरिज, मैंने इसके ऊपर भी ब्लॉग बनाया हुआ है,
तो गाइस जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देखिए। तो उसमें मैंने सब बताया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो गाइस अभी थोड़ी थोड़ी आती है मुझे, और साड़ी पहनना भी थोड़ी थोड़ी आती है, देख सकते हैं गाइस। और गाइस मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है ये मुझे कमेंट भी आया हुआ था, बहुत सारे कमेंट करते हैं लेकिन मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ क्योंकि गाइस टाइम ही नहीं मिलता है, सुबह से शाम हो जाती है। कभी कभी दिन को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, अदरवाइज नहीं होता है टाइम गाइज, छोटे बेबी के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज मैं जो हूँ वो ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ। दीदी आप लिपस्टिक बहुत अच्छे लगाते हो, कौन सी लिपस्टिक है? गाइज ये मेरी मैट लिपस्टिक है और घर में डेली यूज के लिए बहुत अच्छा कलर है गाइज, ये थोड़ा सा गुलाबी कलर है, ये देख सकते हैं। तो गाइज ये है, देख सकते हैं मैट लिपस्टिक है, ब्यूटी मॉडल है गाइज ये ऐसा है। तो गाइज बहुत अच्छा है, मैं अंदर से भी दिखाना चाहूंगी इसका, ये देख सकते हैं गाइज बहुत अच्छी है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, अभी लगा के भी दिखाऊंगी मैं। यही कलर है कि नहीं गाइज? यही कलर है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइज कितना अच्छा है ना गाइज। इसको हम लाली भी लगा सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊंगी, जब कभी कहीं घूमने के लिए जाती हूँ गाइज तभी लगाती हूँ। और ये लिक्विड नहीं है गाइज, मैट लिपस्टिक है लेकिन लिक्विड नहीं है, लिक्विड भी लगाती हूँ मैं गाइज लेकिन कहीं जाने के लिए घूमने के लिए, क्योंकि घर में तो हम कभी भी मुंह देख के आईने में फटक फटक से लगा देते हैं लिपस्टिक, लेकिन कहीं जाना होता है तो वहाँ का हम शीशा लेके बैठेंगे कहीं घूमने के लिए वगैरह, तो वहाँ मैट लिपस्टिक ही लगाती हूँ। तो गाइज अभी जब भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे मेरे, अभी साड़ी वाले ब्लॉग ही आएंगे। आप सोचते होंगे कि सूट पहनते ही नहीं हो दीदी, सूट नहीं पहनते गाइज, इधर मेरे ससुराल में सूट ज़्यादा नहीं चलता है, मैं मतलब जब कभी मार्केट में जाती हूँ घूमने के लिए तभी ही पहनती हूँ, पहन वो भी मतलब ज़बरदस्ती, क्योंकि इधर मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है अभी, क्योंकि सब साड़ी पहने हुए और मैं सूट पहनी तो अलग जैसे ही दिखता है, इसलिए मैं भी जो हूँ साड़ी पहनना पसंद करती हूँ इधर घर में, अच्छा लगता है क्योंकि सबके साथ अभी यही मुझे बुढ़ी होना है लेकिन अभी ऐसा फील होता है कि अभी बस फौजी साहब के साथ आज लास्ट दिन है गाइज, और बहुत ऐसा मिस करूंगी गाइज, अभी पता नहीं कब मुलाकात होगी हमारी। तो गाइज आज का ब्लॉग इधर ही, बाय बाय।